गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस that, these, those, ये चार है अपने, इनका प्रयोग यानी कि this, that, these, those का प्रयोग किसी नाउन यानी कि संज्ञा से पहले किया जाए तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि दिस का प्रयोग, डेट का प्रयोग, दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग किसी नाउन से यानी कि संज्ञा से पहले किया जाए तो इन्हें क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद में है दिस दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा से पहले किया जाता है। यानी कि दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा से पहले किसका प्रयोग होगा? दिस का और दैट का प्रयोग। अब है इसके बाद में दीज और दोज। दीज दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा से पहले किया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए यानी कि दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है यानी कि एक वचन संज्ञा से पहले किया जाता है। दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन संज्ञा से पहले किया जाता है। इसके बाद में आता है दिस दीज का प्रयोग नजदीक के रूप में
यानी कि दिस और दीज का प्रयोग नजदीक के रूप में या फिर अर्थ में, यानी कि नजदीक बताने के लिए, यानी कि कोई चीज आपके नजदीक है तो वहां पर दिस का प्रयोग हो सकता है या फिर दीज का प्रयोग कर सकते हो आप, यानी कि दिस और दीज का प्रयोग नजदीक के रूप में या फिर नजदीक के अर्थ में किया जाता है, जबकि जबकि दैट दोज का प्रयोग दूर के अर्थ में, दूर के अर्थ में होता है, यानी कि दिस और दीज का प्रयोग कहां होगा, नजदीक के अर्थ में, यानी कि नजदीक बताने के लिए, नजदीकता बताने के लिए, जबकि दैट और दोज का प्रयोग दूर के अर्थ में होता है, यानी कि वो आपसे कितना दूर है, यानी कि दूरी बताने के लिए इसका प्रयोग होगा। दिस और दीज, दैट, दिस और दैट तो एक वचन के साथ काम में आएंगे, एक वचन संख्या के पहले आएंगे सिंगुलर नाउन से पहले, और दीज और दोज का प्रयोग दोनों का प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ है, बहुवचन संज्ञा से पहले प्रयोग होगा। दिस और दैट का प्रयोग एकवचन संज्ञा के पहले, दीज और दोज का बहुवचन संज्ञा के पहले प्रयोग होगा, दिस और दीज का प्रयोग नजदीक के अर्थ में प्रयोग होगा, और दैट और दोज का प्रयोग दूर के अर्थ में प्रयोग होगा। अब इसके बाद में आप कुछ अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, आपको दिस का, दैट का, दीज का, दोज का प्रयोग करना है। पहला आपका है चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, इसमें आपको खाली स्थान में पढ़ना है दोज या फिर दिस में से, चिल्ड्रेन ये क्या है, बहुवचन है, और इसके साथ में वर प्ले, तो बहुवचन के साथ दिस आता है या फिर दोज आता है। तो मैंने बताया था दिस और दीज, दिस और दैट आते हैं एक वचन संज्ञा से पहले, दीज और दोज आते हैं बहुवचन यानी प्लूरल से पहले। अब ये तो बहुवचन है, तो बहुवचन इसमें क्या आ जाएगा, दोज आ जाएगा, दोज चिल्ड्रेन वर प्ले। इसके बाद में है सेकंड, रैट्स वर आल्सो किल्ड, अब इसमें ये बहुवचन है, रैट्स यानी कि एक से अधिक चूहे, तो इसमें क्या आएगा, दैट आएगा या फिर दोज, तो इसमें क्या आएगा, दोज, क्योंकि बहुवचन संज्ञा से पहले किसका प्रयोग होता है, या तो दीज का प्रयोग होता है या फिर दोज का, अपने कोष्टक में देखा दैट और दोज, तो इस सेकंड में भी क्या आ जाएगा, दोज का प्रयोग हो जाएगा। थर्ड है रामलीला डिस्क्राइब खालिस्तान स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा, इस खालिस्तान में आपको दीज और दिस का प्रयोग करना है, यानी कि रामलीला डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ राम, यानी कि रामलीला की जो कहानी है वो किसकी है, राम पर है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा यानी कि एक नाटक के रूप में, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा, क्योंकि राम इसमें क्या है, एकवचन संज्ञा है। अगला है क्रेकस एक्सप्लोड इन द एयर, अब इसमें बनना है दिस और दीज, तो यहां पर देखिए क्रेकर्स यानी कि ये क्या है, देखिए क्रेकर्स एक्सप्लोड इन द एयर यानी कि ये क्रेकर्स
ये पहले से क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होता है, बीज का प्रयोग होता है, तो इसमें आ जाएगा बीज क्रेकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। अगला है राम शूट्स एरोज एट इपीज, डेट का प्रयोग होगा या फिर डोज का प्रयोग होगा, राम शूट्स एरोज, तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, डोज का प्रयोग हो जाएगा इसमें। अगला है वन डे ही गोज टू गार्डन, वन डे ही गोज, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, डेट का। ये कुछ एग्जाम्पल थे, अब कुछ एग्जाम्पल और करेंगे। अगला एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन ऑफ डेड कॉलोनी हैड नोट कम, ये बोलूं, तो इसमें अपने को प्रयोग करना है डेड और डोज का। अब ये देखिए कि जो चिल्ड्रेन जो शब्द है ये एकवचन है या फिर बहुवचन, अगर ये एकवचन है तब तो इसमें आएगा डेड, अगर ये बहुवचन है तो इसमें आएगा डोज। अब चिल्ड्रेन है बहुवचन, तो बहुवचन संज्ञा से पहले किसका प्रयोग होता है, डोज का प्रयोग होता है। अगला है क्रेन्स वर वोरिड अबाउट इट, क्रेन्स इनकी सारस, इनकी एक से अधिक है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, डोज का प्रयोग होगा। अगला है सून एलिफेंट्स वर सेट फ्री, अब इसमें ये एलिफेंट्स हैं, ये क्या है, बहुवचन है, तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, डोज का प्रयोग हो जाएगा। आज हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण का अध्ययन किया। धन्यवाद।